मेरे किसान भाइयों, मैं हूँ रोशन और आप लोग देख रहे हैं नेचुरल देसी मुर्गी पालन। तो फिर से एक मेरे और एक नए वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताएं कि हम फिर से एक देसी मुर्गी का खुड़क बैठा रहे हैं और कितने अंडे में बैठा रहे हैं और क्या क्या मैं जुगाड़ कर रखा हूँ। चलिए मैं आप लोग को सारा जानकारी दूंगा, तो वीडियो के अंत पे तक बने रहिए। तो मेरे पुराने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को पता होगा कि इस मुर्गी का हमने खुड़क बिठाया था और आप लोग देख सकते हैं उस मुर्गी का चूजे भी कितने स्वस्थ स्वस्थ है। तो अभी अपने 7 अंडों पे बिठाया था, एक अंडा ख़राब हो चुका है और एक एक चूजा भी मर गया है। तो हमारे पास बचा है कुल मात्र 5 चूजे। तो हमारे फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मुर्गी भी किस तरह से स्वस्थ है और चूजे भी सारे कितने स्वस्थ हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम इस खुड़क को फिर से मैं वही प्रोसेस से बैठा रहा हूं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कितने सारे अंडे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अंडे हैं। तो मैं वही प्रोसेस अपना रहा हूँ। हमने ये टोकरी लिया, आप लोग देख सकते हैं बांस का टोकरी है और ये लकड़ी और पत्ते का राख है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हम अभी जैसे ही अभी बरसात का मौसम चल ही रहा है और ठंडा भी आने वाला है, तो हम अभी इसमें अभी राख का ही उपयोग करेंगे। तो आप लोग भी जितने भी व्यूवर्स हैं, आप लोग के घर में अगर कोई लकड़ी का राख वगैरह कोई भी यूज करते हैं तो आप लोग भी राख का ही यूज़ करें, जिससे कि आप लोग का अच्छी तरह से खुड़क हो सके, मुर्गी को गर्मी हो सके और अंडा भी अच्छी तरह से गर्म हो सके। क्योंकि ये राख काली हो जाती है, उसके बाद ये ज़्यादा गर्मी को अब्जॉर्ब करती है और जैसे कि मुर्गी जब इसमें बैठती है तो मुर्गी और जब अंडे को गर्म करती है तो ऊपर से गर्म हो जाती है, परंतु आप लोग नीचे से सही से आप लोग जुगाड़ नहीं दोगे उसको गर्मी गर्माहट करने के लिए, तो अंडा ठंडा हो जाएगी। इस कारण से हमने पूरा मोटी परत, आप लोग देख सकते हैं कितने गड्ढे तक हमने ये राख का ही उपयोग किया हूँ। तो ये अभी अंडा देते हैं, तो इसमें अभी खुड़क नहीं बैठी हुई है, तो हम अभी इसमें राख ही का ही उपयोग कर रहा हूँ। तो ये जब खुड़क कंप्लीट, जैसे इस मुर्गी का आप लोग मैं दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं ये सामने में काला वाला मुर्गी ही अंडा दे रहा है। तो ये मुर्गी जब खुड़क बैठ जाएगी तो फिर से मैं आप लोग को इस मुर्गी का अपडेट दे दूंगा। तो हमने ये बड़े वाले मुर्गा से ही हमने ये काले वाले मुर्गी को क्रॉस करवाया हूँ और रिजल्ट मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो पिछला रिजल्ट आप लोग के सामने ये है, ये रहा पिछला रिजल्ट। और नया रिजल्ट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।